नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विरार पुलिस ने आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए निजी वाहन में ले जाकर कोर्ट में किया हाजिर। विरार पुलिस की जाहिर हुई फजीहत, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर ने जांच के दिए आदेश। सामान्य लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की सच्ची या झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज होने पर उस व्यक्ति के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करने वाली पुलिस पर कई बार कुछ खास और विशेष लोगों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज होने के बाद उनके साथ वीआईपी बर्ताव करने की खबरें सामने आती रहती है। पुलिस की आपराधिक के साथ ऐसे ही याराना वाली घटना का एक वीडियो इस समय मीडिया व सोशल मीडिया में काफ़ी धूम मचा रहा है। दरअसल उपरोक्त मामला है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की हद में आने वाले विरार पुलिस स्टेशन का, जहां हाल ही में खंडनी, जिसे हिंदी में अवैध वसूली कहा जाता है, के एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सरकारी वाहन की जगह वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए प्राइवेट कार से कोर्ट में हाजिर किया गया। आरोपी को प्राइवेट कार से कोर्ट में हाजिरी का किसी ने वीडियो निकाला और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। तब प्रकरण की जानकारी पुलिस आयुक्त सदानंद दाते को ही और पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। इस प्रकरण की अधिक जानकारी कुछ ऐसी है कि विरार के एक व्यापारी सुरेश हरिया के एक पूर्व कर्मचारी ने आत्महत्या कर दी थी। उस मामले में व्यापारी को अटकाने की धमकी देकर विरार में एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने 21 लाख की खंडनी की मांग की थी। खंडनी की मांग करने वाले के नाम धनंजय झा, मोहन झा एवं एक और सहयोगी, ऐसे तीन नाम बताए गए हैं। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ खंडनी का गुनाह दाखिल किया गया था, जिसमें से एक आरोपी धनंजय झा को बीते मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे न्यायालय में ले जाने के समय पुलिस ने शासकीय वाहन की जगह निजी प्राइवेट वाहन से ले जाया गया। जिस वाहन से आरोपी को ले जाया गया वह वाहन विरार की एक राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता की बताई गई है। मामले की जानकारी पर पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने डीसीपी को मामले की जाँच करते हुए रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। जोन 3 के पुलिस उपायुक्त प्रशांत वागुंडे ने मामले की जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने की बात मीडिया से कही। विरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश वराड़े ने भी इस मामले को गंभीर चूक बताते हुए संबंधित अधिकारी की जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराने की बात कही। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी धनंजय झा को मंगलवार को वसई सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को 10 जून तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब सवाल यह उठता है कि जिस आरोपी को विरार पुलिस ने वीआईपी ट्रीटमेंट देकर निजी वाहन से कोर्ट में हाजिर किया था, उस आरोपी को आगे भी पुलिस क्या इसी तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट देगी, या हर आम आरोपी के साथ जैसा बर्ताव किया जाता रहा है वैसा ही बर्ताव इस आरोपी के साथ भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।